हमीरपुर के बलगाम के चेक डैम में नहाते वक्त डूबे हुए युवक का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि दो दिनों तक चेक डैम के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया और गोताखोर ने भी सबको तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन शव नहीं मिला था। शनिवार सुबह किसमें स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शव को तैरते हुए चेक डैम में देखा तो पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर हमीरपुर SHO संजीव गौतम SI पूजा की अगुवाई में टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। अब को बता दें कि कुठेड़ा गांव के 15 वर्षीय आदित्य 3 दिन पहले से गायब था और पड़ताल करने से पता चला कि आदित्य अपने दोस्तों संग बलगाम के साथ बने चेक डैम में नहाने के लिए गया हुआ था। चेक डैम के बाहर आदित्य के कपड़े और जूते बरामद हुए थे, लेकिन शव का कोई पता नहीं चला था। आदित्य के इस तरह से गायब होने से कई तरह के कयास लोगों द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन चेक डैम के अंदर ही शव बरामद होने से सभी बातों पर विराम लग गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें साफ हो सकेंगी। हमीरपुर में आयोजित 73वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकाशवाणी हमीरपुर के वरिष्ठ नैमित्तिक उद्घोषक संजय शर्मा को उनकी सेवाओं, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। संजय शर्मा ने इस सम्मान राशि में अपना अंशदान डाल उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। संजय शर्मा ऐसा कर अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय शर्मा पिछले 2 दशकों से बतौर उद्घोषक सेवाएं दे रहे हैं। 11 वर्ष पहले पहाड़ी बोली के कार्यक्रम गल तुसन दी के जनक भी हैं। उन्होंने पहली बार यहां से शुरू हुए पहाड़ी बोली के कार्यक्रम में अपनी आवाज दी लाइव फोन। इन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को उभारने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत प्रयास जारी रखे और यह कार्यक्रम जनप्रिय बन गया। इसके अलावा कई रेडियो नाटकों और हास्य नाटकों और लाइव रोड शो कार्यक्रमों में अहम भूमिका अभिनीत कर एक नया आयाम कायम किया। अपनी सामाजिक सेवाओं और दायित्वों को निभाने में भी आगे रही। इन्हीं दायित्वों को देखते हुए उनका नाम सम्मान के लिए प्रस्तावित किया गया। उन्होंने इनाम में मिली पुरस्कार राशि को उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में प्रदान किया। संजय शर्मा का कहना है कि लगन और कर्तव्य निष्ठा के बल पर इंसान आगे बढ़ता है। विश्वनीयता ही परख की बड़ी कसौटी है, इसलिए प्रयास रहता है कि अपनी सेवा के दौरान लोगों को और समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर अनेक विषयों को चर्चा में लाते रहें, ताकि आकाशवाणी के माध्यम से मिले इस पद का सही तौर पर उपयोग हो और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके। उन्होंने आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों का आभार जताया है, जिनके कारण इस सफर में इस मुकाम को हासिल करने का अवसर मिला है। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का 20 करोड़ की राशि किसी भी सूरत में सरकाकार नहीं जाने दी जाएगी। ये बात पूर्व सैनिक निगम के पूर्व चेयरमैन कर्नल BC लगवाल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। कर्नल लगवाल ने कहा कि एक्स सर्विसमैन निगम का पैसा पूर्व सैनिकों के हितों के लिए है, न कि भवन निर्माण के लिए। उन्होंने कहा कि सरकाकार क्षेत्र में सरकार सैनिकों की भर्ती की ट्रेनिंग के लिए एक अकेडमी खोलना चाहती है, जिसके भवन निर्माण के लिए हमीरपुर स्थित पूर्व सैनिक निगम से 20 करोड़ की राशि निकालकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कर्नल अग्रवाल ने कहा कि सैनिकों की भर्ती के लिए ट्रेनिंग के लिए हमीरपुर के अमनेर गांव में 200 कनाल जमीन पर पहले से ही एक प्रोजेक्ट सरकार के विचाराधीन है। इस काम में स्क्वाडन लीडर ब्रिजलाल दीवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाना चाहिए, ताकि पूर्व सैनिकों के बच्चों को इसका लाभ मिलना शुरू हो। अमनेर में प्रोजेक्ट के लिए पहले से 200 कनाल जमीन मंजूर होने के बावजूद सरकाघाट में नई एकेडमी खोलने की सोच अत्यंत निराशापूर्ण है। कर्नल लगवाल ने कहा कि इससे पहले भी पूर्व सैनिक निगम का 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की कोशिश कर पूर्व सैनिकों के कल्याण के पैसे से अन्याय करने का प्रयास हुआ है। इस प्रयास का विरोध होने के बाद निरस्त कर दिया गया। कर्नल लगवाल के अनुसार अगर फिर से पूर्व सैनिकों के हितों से खिलवाड़ कर 20 करोड़ की राशि सरकाघाट ले जाने के प्रयास हुए तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। प्रदेश के छोटे बड़े सभी जलाशयों पर अवैध शिकार करने वालों पर मत्स्य विभाग ने पैनी नजर रखी हुई थी। प्रदेश में
दो महीने का प्रतिबंध होने के बावजूद मछली का अवैध शिकार करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा रखा गया। इसी के तहत फ्लाइंग स्क्वाड और विभागीय टीमों ने पोंग डैम, गोविंद सागर, चमेरा, कॉल डैम, रंजीत डैम इत्यादि डैमों में कार्रवाई की और लगभग 180 से ऊपर मामले अवैध रूप से कर रहे मछुआरों को पकड़ा है और उन पर लगभग 1,70,000 से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है। प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में स्टेट लेवल की फ्लाइंग स्क्वाड और जिला लेवल की टीमें तैनात हुई थीं और जलाशयों की निगरानी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि मोटर बोटों के जरिए भी निगरानी की गई। मत्स्य विभाग के निदेशक ने बताया कि दो महीने के प्रतिबंध पर मछुआरों ने विभाग का काफी सहयोग किया तथा कुछ अवैध रूप से मछली का व्यापार करने वालों के खिलाफ विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और जुर्माना भी वसूला है।